हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। आज का टॉपिक्स है क्यूब रूट्स, घनमूल, जो कि हम बहुत आसान तरीका आपको एक ट्रिक बताएंगे घनमूल कैसे निकाला जाए। यानी बड़े बड़े मान को आप बहुत सेकंडों में आप निकाल दीजिएगा। जैसे कि देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर है 57, 17, 87 का घनमूल कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 83 का घनमूल होता है। उसी तरह देखिएगा फ्रेंड्स, 17, 28 का घनमूल जो होता है ये 12 का होता है। उसी तरह देखिएगा फ्रेंड्स, 91, 125 जो ये 45 का घनमूल होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा 21, 952 का घनमूल 28 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा 14, 81, 544 का घनमूल 114 होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना आसानी से हम निकाल दिया, आपको बताएंगे ट्रिक कैसे आप निकालिएगा बड़े बड़े मान को, आप बहुत सेकेंडों में आप मान निकाल लीजिएगा। इसके लिए कुछ मान आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ बेसिक मान आपको याद होगा, जो कि देखिएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद 2 का क्यूब 8 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा 3 का क्यूब 27 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा 4 का क्यूब आपका 64 होता है। उसी तरह 5 का क्यूब आपको 125 होता है। उसी तरह 6 का क्यूब देखिएगा फ्रेंड्स 216 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा 7 का क्यूब आपका 343 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स 8 का क्यूब देखिएगा 512 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स 9 का क्यूब देखिएगा 9 का क्यूब 729 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा 10 का क्यूब 1000 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स 11 का क्यूब देखिएगा 1331 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स 12 का क्यूब देखिएगा, यहां तक दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है। ये मान आपको याद, कुछ बेसिक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, कितना आसानी से आप बड़े बड़े मान को बहुत सेकेंड यानी कम सेकेंड में आप वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर दिया हुआ है 57, 17 का मान निकालने के लिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यहां से 3 डिजिट यानी 3 अंक को छांटना है। हमको क्या छांटना है, यानी 3 अंक लीजिए। उसके बाद देखिए इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो इसमें देखिए 7 कहां पर है, यानी 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहां पर फ्रेंड्स लिख दीजिएगा 3 लिख दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 3 आपका गायब हो गया 3 अंक। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर 2 अंक यानी 571 है। कितना है फ्रेंड्स, 571 है। तो देखिए 571 कहां पर है, तो देखिएगा फ्रेंड्स 571 आपका यानी 512 से लेकर 729 के बीच में आएगा। यानी 571 आपके कहां से आएगा, 512 से लेकर 729 के बीच में आएगा। तो आपको लो फैक्टर को ही लेना है, यानी लो फैक्टर को ही लीजिएगा। तो यहां पर आप 8 लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से आप आंसर निकालिए, यानी 57, 17, 87 का जो वैल्यू होता है वो 83 होता है। उसी तरह फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर 17, 28 का, ये तो आप बेसिक कुछ बात है, इसको आप याद रखिएगा। अब अगर 12 का क्यूब आपको 17, 28 याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो देखिए कैसे फ्रेंड्स यहाँ निकाला जाता है। आप यहाँ देखिए क्या इकाई अंक कितना है फ्रेंड्स, 8 है। तो देखिए 8 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए वैल्यू में 8 कहाँ है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, 2 यहाँ पर लिख दीजिए फ्रेंड। उसके बाद देखिए आपका, आपको बताया है 3 अंक को छांट लेना है, तो कितना बचा आपका, 1 बचा। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, अगर आप इस मेथड को समझ गए तो बहुत बड़े बड़े मान को बहुत आसानी तरीके से आप घनमूल निकाल लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग, 91, 125 है। इसमें आपको बताया है क्या, 3 अंक लेना है। यहाँ पर कितना अंक लेना है, 3 अंक लीजिएगा। उसके बाद देखिए इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो देखिए कि 5 का क्यूब ही होता है 125, यहाँ पर लिख दीजिए 5 आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितना बचा आपका, यानी 3 अंक को छांट लेना है, उसके बाद आपका 91 बचा। 91 बचा तो देखिए फ्रेंड्स 91 किसके बीच में आता है आपका, 91 जो आएगा फ्रेंड्स यहां से आएगा 64 और 125 के बीच में। तो आपको क्या करना है, बताया है कि लो फैक्टर पे ही मान लेना है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4, आपका 45 इसका घनमूल आ गया फ्रेंड्स। देखिए कितना आसान है। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर देखना है हमको 21, 952 का, यानी 21, 952 का
हमको देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको हम क्या बताया है कि लास्ट से तीन अंक को छांट लीजिए, उसके बाद देखिए इकाई का अंक कितना है, दो है। तो देखिए यहाँ में दो किस में है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स दो यानी आठ का क्यूब 512 होता है, तो आप यहाँ पर आठ लिख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद आठ लिख लिए तो तीन अंक को छांट लेना, बचा आपको कितना अंक, दो अंक बचा, यहाँ पर 21 बचा। तो देखिए फ्रेंड्स 21 किसके बीच में आएगा, यानी 21 आपका जो है 8 और 27 के बीच में आएगा। तो आप यहाँ पर लो वैल्यू का ही मान रखना, यानी लो फैक्टर की मान रखिए आप यहाँ पर, तो आपका ये 28 यहाँ पर आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है। फिर उसी तरह आगे देखिएगा 14 81 544 का घनमूल कितना होता है, इसका क्यूब रूट बताइए। इतना बड़ा मान है लेकिन आप सेकेंडों में इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से आप निकाल दीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स आपको क्या बताया है कि लास्ट से तीन अंक को छांटना है और इकाई अंक देखिए कितना है, चार है। तो देखिए फ्रेंड्स चार किस में आता है, तो चार आप देखिएगा यानी चार का क्यूब 64 होता है, तो आप यहाँ पर चार लिख दिए, ऑलरेडी कितना लिख दिए, चार लिख दिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपका तीन अंक निकल गया था, बचा आपका चार अंक। तो देखिए 14 81 अब कितना देखना है, 14 81 देखिए फ्रेंड्स, तो 14 81 देखिएगा फ्रेंड्स 1331 और 1728 के बीच में, यानी 11 के क्यू और 12 के क्यू के बीच में है। तो हम एक चीज आपको बताया है कि लास्ट यानी लो फैक्टर की ही मान को रखना है, तो आप देखिए यहाँ पर 11 लिख दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका ये आंसर आ गया 114 आ गया। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, अगर मेथड को आप समझ गए तो कितना भी बड़ा आपको क्यू रूट मिलेगा और बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा। देखिए आगे हम और कुछ एग्जाम्पल को कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इसको बनाना है यानी 31 44 32 का घनमूल कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या बताया है, लास्ट से तीन अंक को लेना है और इकाई अंक देखिए कितना है फ्रेंड्स, दो है। तो इसमें देखिए आपका दो कहां पर आता है फ्रेंड्स, यानी 512 यानी आठ का क्यूब होता है 512। तो फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आठ को लिख देना है। उसके बाद बताया आपका कितना अंक बच गया फ्रेंड्स, आपका तीन अंक यहाँ पर बच गया 314। देखिए फ्रेंड्स 314 किसके किसके बीच में आता था, 216 और 343 यानी 6 का क्यूब और 7 के क्यूब में आता है, 216 और 343 के बीच में आपका 314 आएगा। तो एक चीज हम आपको बताया है, 216 और 343 के बीच में है तो लो फैक्टर को मान को रखना है, तो आपका क्या होगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी 31 44 32 का जो घनमूल होगा 68 होगा, यानी 68 आपका आंसर आ गया। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर देखना है यानी 79 507 का घनमूल कितना होता है फ्रेंड्स, तो वही आपको फंडामेंटल अपनाना है फ्रेंड्स। जैसे कि देखिए लास्ट में तीन अंक को छांटना है और इकाई अंक को देखना है कितना है, यानी 7 है। तो देखिए आपका 7 कहाँ पर आता है फ्रेंड्स, तो देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके कितना बच गया, यानी आपका बच गया 79 आपका बच गया। तो देखिए फ्रेंड्स 79 आपका हुए तो 64 और 125 के बीच में 79 आता है, यानी 4 का क्यू और 5 के क्यू के बीच में आएगा। तो एक चीज हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको लो फैक्टर की ही मान रखना है, यहाँ पर आपका कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। देखिए 79 507 का वर्ग जो घनमूल होगा वह आपका जो आएगा 43 आपका आंसर आएगा। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर हमको देखना है 77 86 88 का घनमूल कितना होता है क्यूब रूट। अब देखिए फ्रेंड्स करना आपको कुछ नहीं, आपको बार बार समझा रहा है लास्ट से तीन अंक को यहाँ से लेना है फ्रेंड्स, इकाई अंक को देखना है कितना है 8 है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 8 किस के बीच में आता है, यानी आप यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 8 आपका 2 का क्यूब 8 होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 2 का क्यूब आता है 8, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 778 क्या है, 778 है, तो उसके बाद देखिए 778 आपके किसके बीच में आता है फ्रेंड्स, तो 778 जो है आपका यानी 729 से लेकर आपको 1000 के बीच में आएगा। कितना में आएगा फ्रेंड्स, 729 और 1000 के बीच में आएगा। अब तो देखिए फ्रेंड्स आपको बताया है कि लो फैक्टर की ही मान रखना है यहाँ पर, तो आपका कितना होगा 9 आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। यानी 77 86 88 का जो घनमूल होगा क्यूब रूट आपका 92 आंसर आएगा। यानी एक बार आप मेथड को समझ गए तो आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा और बहुत सेकेंडों आप घनमूल क्यूब रूट निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए और आगे कुछ हम सीखते हैं। चलिए कुछ स्क्वायर है इसमें आपको बात कर लेते हैं, जो कि हम आपको 5 का स्क्वायर बताने वाले हैं। जैसे 15 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर, यानी 55 के स्क्वायर, 85 के स्क्वायर, अब कैसे किया जाता है देखिएगा फ्रेंड्स। करना कुछ नहीं, सिंपल सी
तरीका है, जैसे कि आपको दिए हुए 15 का स्क्वायर करने के लिए, तो आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अब 25 यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है एक में एक को ऐड करना है, यानी एक एक दो हुआ और दो में एक से गुना कर दीजिए, आपका 2 यानी 225 आपका निकल गया। उसी तरह 25 का स्क्वायर कैसे करना है फ्रेंड्स, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, उसी तरह क्या करना है 2 में 1 जोड़िए 3, 3 से 2 में गुना कीजिए 3 गुना 6 ये आपका आ गया। उसी तरह 35 का स्क्वायर करना है फ्रेंड्स, देखिएगा 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 लिख दीजिए और 3 में 1 जोड़िए यानी 4, 4 × 3 = 12 यानी आपका ये स्क्वायर निकल गया, 35 का स्क्वायर 12 × 25 होता है। उसी तरह 45 का स्क्वायर करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है और 4 में 1 ऐड कीजिए यानी 5 और 5 में 4 से गुणा कीजिए, 5 × 20 होता है। यानी कितना आसान तरीका है, अगर आप इसको समझ गए तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लीजिएगा। उसी तरह आगे देखिए फ्रेंड्स, 55 का स्क्वायर करना है हमको, तो क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताए 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और 5 में 1 ऐड कीजिए, 5 में 1 ऐड कीजिए कितना हुआ 6, 6 में इसमें 5 से गुना कीजिए 6 × 5 = 30 होता है, यानी 55 का स्क्वायर 30 × 25 होता है। उसी तरह 85 का स्क्वायर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है और यहाँ पर 8 में 1 जोड़िए ऐड यानी 9, 9 × 8 = 72 होता है, तो यहाँ पर 72 लिख दीजिए फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 95 का स्क्वायर है, तो क्या करना है पहले 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर कीजिए उसके बाद 9 में 1 ऐड कीजिए कितना हुआ 9 × 1 = 10 और 10 में 9 से गुना कीजिए कितना हुआ 90 होगा। उसी तरह फ्रेंड्स 105 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 25 होगा और 10 में 1 ऐड कीजिए 10 × 1 = 11 और 11 में फिर 10 से गुना कीजिए 110 ये आपका हो गया। नहीं कितना आसान है, अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यानी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।